कच्छ नौमी की इष्टोपाली आपके यहाँ पास समाज विज्ञान त्रिमासी परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं और आपके पास जान टाइम बचा नहीं तो आपके यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर को पूरा आपको याद कर लेना क्योंकि पूरा पेपर आपके यहाँ पास समाज विज्ञान का लीक हो चुका। तो पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा डट के जाना, आप यहाँ पर देख लीजिए त्रिमासी परीक्षा 2023-24 कक्षा नौवीं वैसे समाज विज्ञान पूर्णांक आप 75 नंबर करेगा, समय आपका 3 घंटे रहने वाला, पूरा का पूरा पेपर लीक हो चुका। और साथ ही आपको पेपर देने से पहले इस पेपर को रट लेना, अगर आप यहाँ पर इस पेपर को अच्छी तरह से याद कर लेते तो आपके 75 नंबर आने वाले, पूरा पेपर आपका संपूर्ण हल सहित हम कराने वाले। ठीक है स्टूडेंट, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि पेपर लाने बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यहाँ पर इतने आते सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है और दूसरा प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक बस दोनों प्रश्न है जिनके लिए यहाँ पर 30 अंक निर्धारित थे। ठीक है तो आप यहाँ पर निर्देश भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर पेपर बोर्ड देख लेते हैं, तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देखते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए आपके 6 नंबर के आते पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपको यहाँ पर ध्यान से सुनना और साथ ही देखना जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर याद कर लेना है। ठीक है पहला आपका आता 8 और बात आपका 7 और 7 11 है और दाता 9। तो यहाँ पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा 8। ठीक है अब आपका दूसरा था निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, तो आपका आता चंबल, बात आपका नर्मदा और 7 छपरा, दाता दामोदर। तो यहाँ पर निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा नर्मदा। अगर तीसरा आता है प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था, तो आपका आता 1915 से 1919, बात 1915 से 1918 और 1914 से 1919 और दाता 1914 से 1918। तो यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था, तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा 1914 से 1918। ठीक है तीसरे का आपका दा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपका चौथा आता है लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन है, उपयुक्त कथन है, तो आपका था अब्राहम लिंकन, बात मिस्टर चर्चिल और साथ पूर्व लास्की और दाता पूर्व गार्नर। तो यहाँ पर लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन है, उपयुक्त कथन है, तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा अब्राहम लिंकन। ठीक है तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना, साथ ही इनके स्क्रीनशॉट भी आपको ले चलना। फिर आपका आता संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो आपका आता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बात बाल गंगाधर तिलक और साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस और दाता गुलजारी लाल नंदा। तो यहाँ पर संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर आ हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आपके यहाँ पर 6वां था पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते हैं, तो आपका आता 100 और बात आपका 250 और 7 350 और दाता 450। तो यहाँ पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते हैं, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर दा हो जाएगा 450। तो इस तरह से आपके जो 6 नंबर के जो सही विकल्प है वो कम्प्लीट हो जाते हैं और आपने अच्छे से याद भी कर लिया, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। और साथ ही आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप यहाँ पर देख लीजिए, हम आपको फिर से दिखा देते हैं और जो इनकी स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए जिससे आपको याद करने में आसानी जाएगी। अब चलिए आपका प्रश्न 2 आता है रेगिस्तान पूर्ति की 6 नंबर के रेगिस्तान आते हैं, तो पहला आता है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप डॉट डॉट है, तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है आपका एशिया महाद्वीप। ठीक है पहले में आपका हो जाएगा एशिया महाद्वीप, आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में ठीक है सांपों के नाम से जाना जाता है, तो दूसरी का आंसर आपका हो जाएगा सांपों। ठीक है आप यहाँ पर देख लीजिए सांपों के नाम से जाना जाता है। अब आपका तीसरा आता है कार्ल मार्क्स ने ठीक है कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक ग्रंथ की रचना की, तो तीसरे का आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर दास कैपिटल, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपको चौथा रेगिस्तान आता भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है 5 वर्ष होता है, तो 5 वर्ष आपका यहाँ पर चौथी का आंसर हो जाएगा, आप यहाँ पर देख लीजिए 5 वर्ष रहेगा चौथी का आंसर। अब आपको 5वां आता नीति निर्देशक तत्व डॉट डॉट के संविधान से लिया गया, तो यहाँ पर नीति निर्देशक तत्व आपका लिया गया आयरलैंड के संविधान से, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड। ठीक है आयरलैंड के 5वें का आंसर हो जाएगा, आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर 6वां रेगिस्तान है वो देख लेते हैं, तो पूरा पेपर आपका यहाँ पर संपूर्ण हल सहित हम कराने वाले। तो आपका 6वां यहाँ पर आता है मौसमी बेरोजगारी दोनों क्षेत्रों में पाई जाती है, तो इसका आंसर है आपको ग्रामीण क्षेत्रों। ठीक है ग्रामीण क्षेत्रों आपका हो जाएगा 6वें का आंसर, तो पहले का आंसर आपका एशिया महाद्वीप, दूसरे का आंसर आपका सांपों, तीसरे का आंसर आपका दास कैपिटल, चौथे का आंसर आपका 5 वर्ष, 5वें का आंसर आपका आयरलैंड की और 6वें का आंसर आप ग्रामीण क्षेत्रों। तो इस तरह से आपके 6 नंबर के जो रेगिस्तान वो आपके कम्प्लीट हो जाते हैं और साथ ही सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट वो आप ले लीजिए, ठीक है जिससे आपको याद करने में आसानी आएगी। अब आपके यहाँ पर आती हैं सही जोड़ी बनाइए, आपकी 6 नंबर की आती हैं स्तंभ आओ स्तंभ में आपकी दी गई सही जोड़ी पहले आती है प्राकृतिक संसाधन, तो इसे आपको भूमि से मैच कर देनी है। आजाद हिंद फौज, तो इसे आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मैच करनी है। और तीसरी आती मत्स्य पालन, तो इसे आपके प्राथमिक क्षेत्र से मैच करनी है। चौथी आती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
जिससे आपको संविधान सभा की अध्यक्ष से मैच कर देनी है। और जो पाँच में आती है ड्यूमा, तो ड्यूमा को मैच करना आपको रूस की संसद से। और जो छः में आती है गैस्तामा, तो इसे आपको गुप्तचर सेवा से मैच कर देनी है। तो इस तरह से आपकी जो सहयोगी है वो आपके यहाँ पर छः नंबर की कम्प्लीट हो जाती है। और जल्दी से जो इनका स्क्रीन शॉट भी आप ले लीजिए। तो इस तरह से हमने आपकी छः नंबर की सहयोगी वो करा दी है और इनका आप स्क्रीन शॉट भी ले लीजिए। अब चलिए आपके आते हैं एक साथ बात का उत्तर दीजिए, जो कि आपके आते हैं छः नंबर की। पहला था भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो आपका पहले का आंसर यहाँ पर हो जाएगा आठ। ठीक है, भारत में जो यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश संख्या वो आपकी आठ। अब चलिए आपके यहाँ पर आता हीराकुंड बांध किस नदी बना, तो यहाँ पर हीराकुंड बांध आपका महानदी बना। ठीक है, महानदी, तो दूसरे का आंसर आपका हो जाएगा महानदी, आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर तीसरा आता है सामूहिक खेतों को किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर सामूहिक खेतों को सामूहिक कृषि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सामूहिक कृषि, तीसरे का आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर सामूहिक कृषि। अब चलिए आपको जो यहाँ पर चौथा है, तो चौथा आपको यहाँ पर देख लेते हैं अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया, तो यहाँ पर अर्थव्यवस्था को तीन क्षेत्रों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, पहले आपको लिखना है अर्थव्यवस्था को तीन क्षेत्रों में बांटा गया, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब चलिए आपके यहाँ पर आता धर्म निरपेक्षता का अर्थ है, तो धर्म निरपेक्षता का जो आपका अर्थ है आप यहाँ पर देख लीजिए, धर्म को राज्य से अलग रखना। ठीक है, आपको हो जाएगा धर्म निरपेक्षता का अर्थ धर्म को राज्य से अलग रखना। अब चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो नेक्स्ट आपका आता पालमपुर के निकटतम बड़े गाँव का नाम क्या है, तो यहाँ पालमपुर के निकटतम बड़े गाँव का नाम है आपका, ठीक है, रायगंज। रायगंज हो जाएगा आपका छः मई का आंसर, आप यहाँ पर देख लीजिए छः मई का आंसर आपका रायगंज हो जाएगा। तो इस तरह से आपके हो जाते हैं यहाँ पर एक साथ बाकी में होता कम्प्लीट, पहले का आंसर आपका आठ हो जाएगा, दूसरे का आंसर आपका महानदी, तीसरे का आंसर आपका सामूहिक कृषि, चौथे का आंसर आपका प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, और पाँचवें का आंसर आपका हो जाएगा धर्म को राज्य से अलग रखना, और छठवें का आंसर आपका रायगंज। इस तरह से आपको एक साथ बाकी होता कम्प्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं सत्य असत्य जानकारी के लिखी, जो कि छः नंबर के आते हैं। तो पहला तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है, तो पहला आपका सत्य रहेगा, और दूसरा तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, तो आपका सत्य रहेगा, और समाजवादी निजी संपत्ति के विरोध नहीं करते, तो ये आपका असत्य रहेगा, और चौथा तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो ये आपका सत्य रहेगा, पालमपुर में सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है, तो ये आपका पाँचवा असत्य हो जाएगा। छठवां आता भारत में पुरुषों महिलाओं की महिलाओं में साक्षरता स्तर समान है, तो आपका असत्य हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहला आपका यहाँ पर सत्य रहेगा, और दूसरा भी सत्य रहेगा, तीसरा आपका यहाँ पर हो जाएगा असत्य, और चौथा आपका यहाँ पर सत्य रहेगा, और पाँचवा आपका असत्य हो जाएगा, और छठवां सत्य। तो इस तरह से आपके जो सत्य असत्य वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर जो आपके हमने पूरी ऑब्जेक्टिव वो आपकी करा दी, साथ ही आपने अच्छे से याद भी कर लिए होंगे, स्क्रीन शॉट भी ले लिया होगा। ठीक है, और पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा आपको रट के जाना है। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है छठवां क्वेश्चन, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए, दो नंबर का रहेगा, अथवा आता है भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। अब आपका सातवां आता है भारत को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है, अथवा आता है मानक एमत्तोतर से क्या आशा, सभी इनके आंसर भी हम कराने वाले हैं। पहले आप यहाँ पर देख लीजिए 18वीं सदी में फ्रांसी समाज किन वर्गों में बटा था, अथवा था फ्रांस की क्रांति ने विश्व को कौन से तीन सिद्धांत दिए। आपका नौवां था खूनी लड़ाई की घटना क्या थी, ये आपका दो नंबर का रहेगा, जो आपका प्रश्न नौवीं का है अथवा वो देख लेते हैं। तो इसका आपका अथवा था पहला विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया। फिर आपको दस माता लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए, और अथवा था पाँच लोकतांत्रिक देशों के नाम लिखिए। अब आपकी ज्ञान माता संसदीय शासन प्रणाली क्या, अथवा था संविधान सभा के पाँच सदस्यों के नाम लिखिए। आपका बारहवें क्वेश्चन आता है वयस्क मताधिकार क्या, अथवा था संविधान निर्माण क्यों आवश्यक है। आपका तेरहवां क्वेश्चन आता है शिक्षित बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, अथवा था बेरोजगारी से क्या आशा है। फिर आपको चौदह माता जन्मदार से क्या आशा है, अथवा तो मृत्युदार से आप क्या समझते हैं। तो जल्दी से इनके स्क्रीन शॉट ले, ठीक है, आपको ले चलना, और इनके आपको जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं पूरे आपको याद करके जाना पेपर देने से पहले। पंच माता रवि और खरीफ फसल में आपको दो अंतर लिखना, अथवा था गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम लिखिए। सोलहवा क्वेश्चन आता फ्रांसी समाज में कर व्यवस्था कैसी थी, अथवा था तो अथवा देख लीजिए। फिर आपका सत्रहवां क्वेश्चन था कार्ल मार्क्स का पूंजीवाद पर क्या विचार था, और अथवा था द्वितीय इंटरनेशनल क्या था। अठारहवां था कार्यशील पूंजी किसी कहते हैं, और इसका अथवा था पालमपुर में किन किसानों खेती से बचत होती है। ठीक है, आपका अठारहवां क्वेश्चन तीन नंबर का रहेगा। उन्नीसवां क्वेश्चन था कन्याकुमारी और कश्मीर में देर रात की अवधि में अंतर होता है, कोई दो कारण लिखिए। फिर आपका यहाँ पर देते अथवा था कर्क रेखा का भारत की जलवायु में महत्व, कोई दो मत लिखिए। आपका बीसवां क्वेश्चन था फ्रांसी समाज के किन तबकों को क्रांति की सत्ता छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा, ये आपका तीन नंबर का रहेगा बीसवें क्वेश्चन। अब चलिए आप जो आपके इक्कीसवें क्वेश्चन वो देख लेते हैं, सॉरी बीसवें का देख लेते हैं। उन्नीसवीं और बीसवीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसी क्रांति कौन सी बात छोड़ गई, आपका आता है इक्कीसवां उदारवादी पर टिप्पणी लिखिए, अथवा था बेरोजगारी की दुष्परिणाम लिखिए। बाईसवां तो भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है, तीन बिंदुओं से स्पष्ट की, चार नंबर का क्वेश्चन रहेगा, अथवा देख लीजिए।
और आपके यहाँ पर 23 मार्च भारत में निरंतरता के क्या कारण है लिखिए, और इसका अर्थ होता है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम क्या, इसकी प्रमुख विशेषताओं को समझाइए। तो इस तरह से पूरा आपके यहाँ पर सामाजिक विज्ञान पेपर कम्प्लीट हो जाता है। साथ ही जो आपके क्वेश्चन है इन क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन दी रखिए। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, टेक इन, बाय बाय।